बीच बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है, जहां एनआईए की टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर बोकारो से आपको बता रहे हैं, बोकारो में मजदूर संगठन समिति के महासचिव के घर पर एनआईए की टीम ने छापा मारा है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, एनआईए की टीम ने समिति के महासचिव के घर पर छापेमारी की है। मजदूर संगठन समिति के महासचिव हैं बच्चा सिंह, उनके आवास पर कागजात खंगालने में एनआईए की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बोकारो थर्मल और बीटीपीएस में छापेमारी। में एनआईए की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीटीपीएस में छापेमारी करने पहुंची एनआईए की टीम। मजदूर संगठन के महासचिव बच्चा सिंह के आवास पर कागजातों की जांच पड़ताल की जा रही है। बोकारो थर्मल और बीटीपीएस में छापेमारी। मजदूर संगठन समिति को आपको बता दें कि सरकार ने बैन घोषित कर दिया था। कोर्ट के आदेश पर संगठन समिति से प्रतिबंध हटा था। नक्सलियों का सहायक संगठन के तौर पर इसे देखा जाता है, जहां एनआईए ने छापा मारा है। मजदूर संगठन समिति के महासचिव के घर पर ये छापेमारी हुई है। 2017 में इस संगठन पर बैन लगा दिया गया था, हालांकि 2022 में बैन को रिमूव कर दिया गया था। बोकारो थर्मल और बीटीपीएस में एनआईए की टीम ने छापा मारा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूर संगठन समिति के महासचिव के घर पर एनआईए की टीम कागजातों को खंगालने में जुटी हुई है। कोर्ट के आदेश पर संगठन समिति से प्रतिबंध हटा लिया गया था, हालांकि केंद्र सरकार ने नक्सलियों को सहयोग करने वाले संगठन के रूप में इसे चिन्हित कर प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। फिलहाल सहयोगी संजीव पूरी जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, एनआईए की छापेमारी की जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, निश्चित तौर पर अगले सुबह से जो है एनआईए की टीम बोकारो थर्मल पहुंची है। मजदूर संगठन समिति के महासचिव बच्चा सिंह के आवास से लगातार छापेमारी जारी है। सबसे बड़ी बात है कि वहां जो मोबाइल उनका मिला है, मोबाइल को खंगाल रही है, और जो कागजातें मिली है कागजातें को खंगाल रही है। और लगातार जिस तरह से अगले सुबह से एनआईए की टीम जो है जाँच कर रही है, और अभी तक जो अगर बात करें तो उनके घर से जो है कुछ मोबाइल भी बरामद हुई है, और मोबाइल की जाँच करिए, कागजात भी बरामद हुई है, कागजात की जाँच के लिए, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि मैंने जांच जो है आगे की ओर चल रहा है और मोबाइल में क्या पाया गया। लेकिन जिस तरह से एनआईए की टीम पहले सुबह से उनके घर पहुंच करके जो जांच करी है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में रघुवर सरकार के समय में प्रतिबंधित इस संगठन को किया गया था, और 2022 में जो है उसको हटा लिया गया। तो अब जो है एनआईए की टीम जांच कर रही है, जांच उपरांत जो भी कार्रवाई हो सकती है वह करने को तैयार है एनआईए की टीम। जी, चलिए तो नजर बनाए रखे संजीव, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो मजदूर संगठन समिति जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था, उसके महासचिव बच्चा सिंह के ठिकाने पर एनआईए की टीम जांच पड़ताल के लिए पहुंची।